मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 19 मार्च 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की दशमी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात के पंकज जोशी, उत्तर प्रदेश के संजय प्रसाद, बिहार के सेंथिल कुमार, झारखंड के अरवा राजकमल के गृह सचिव को हटा दिया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिव को हटा दिया है। यह सभी मुख्यमंत्री ऑफिस में दोहरे प्रभार संभाल रहे थे। इसके अलावा आयोग ने पश्चिमी बंगाल पुलिस प्रमुख को हटाने के आदेश जारी किए हैं। ब्रह्म मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल के अलावा अतिरिक्त आयुक्तों, उपायुक्तों को भी हटा दिया है। अच्छा, इनको हटाया क्यों गया है, इसकी वजह है जानते हैं। देखिए, जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभाव थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर है, अजमेर में साबरमती आगरा कैंट ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। इससे साबरमती एक्सप्रेस के इंजन और चार कोच पटरी से उतर गए। अच्छी बात यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। इस हादसे में 3 यात्री घायल हो गए। घटना के समय पैसेंजर गहरी नींद में सो रहे थे। रविवार रात 1 बजे के आसपास अचानक धमाका हुआ तो ट्रेन में यात्रियों में चीख पुकार मच गई। उधर दुर्घटना के बाद 6 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई और सैकड़ों जाने चली गई थी। अब यह हादसा कैसे हुआ, कहां चूक हुई, इसकी जांच की जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की राजस्थान में बची 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा आज हो सकती है। इससे पहले दिल्ली में एक बैठक हुई है। बैठक में राजस्थान की 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। इनमें 6 सीटों पर नए चेहरों को उतारा जा सकता है। वहीं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बड़ी खबर यह है, बीजेपी की राजस्थान में बची हुई 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा आज हो सकती है। दरअसल आपको बता दूं, राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इनमें से बीजेपी ने अभी तक 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इनमें 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, स्कूल जा रहे 6 साल के मासूम पर 8 से 10 कुत्तों ने अचानक हमला बोल दिया। मासूम को कुत्तों ने 20 जगह काटा। सांस की नली काटने से बच्चे की मौत हो गई। कचरा फेंकने आई महिला ने पत्थर मारकर कुत्तों को भगाया और लहूलुहान मासूम को उठाकर अपने घर ले गई। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह पूरा मामला चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली गाँव का है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी बीमा योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा है कि हम चिरंजीवी योजना को न तो बंद होने देंगे और न ही कमजोर होने देंगे। अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी चिरंजीवी योजना थी, जिसमें फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट और फ्री ऑपरेशन हो रहे थे। यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे शानदार योजना थी, जिसमें हमने लोगों का 25 लाख रुपए तक का बीमा कर रखा था। अब सुनने में आया है कि बीजेपी ने इसे कम कर 5 लाख रुपए तक का कर दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि इस योजना से लोगों को कितना लाभ मिला है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। देश और दुनिया में चिरंजीवी योजना की प्रशंसा हो रही थी, लेकिन यह सरकार समझ नहीं पा रही है। लेकिन इन तमाम योजनाओं को हम बंद नहीं होने देंगे। आगे बढ़ जाते हैं जोधपुर से। बड़ी खबर, भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। भारतीय सेना ने जोधपुर में अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थापित कर दिया है। यानी कि भारतीय सेनाएं अब 40 से 50 साल पुरानी स्थिति में नहीं है। चीन और पाकिस्तान एक साथ भी हमला करते हैं तो भारत की तीनों सेनाओं के पास कुछ ऐसे हथियार है जो दोनों दुश्मन देशों की हालत पस्त कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हमारी फोर्स ने कई अलग अलग और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती की है। इस कड़ी में अब अपाचे हेलीकॉप्टर का नाम भी जुड़ गया है।
आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। भरतपुर में जाट समाज ने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के निवास पर जाट समाज की एक बैठक में तय किया गया। समाज के संयोजक का कहना है कि भाजपा सरकार ने उन्हें आरक्षण न देकर उनके साथ विश्वासघात किया है, इसलिए अब वह जिले भर में गाँव गाँव जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसके लिए समाज ने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर भी छपवाए हैं, जिनका विमोचन कल नेम सिंह फौजदार ने किया। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम भजनलाल शर्मा पार्टी के अंदर डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रबान सिंह आक्या को मनाने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी को जयपुर बुलाया और मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्र व राज्य के मंत्रियों ने शिव विधायक के साथ करीब एक घंटे तक लंबी मीटिंग की। इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मेरे क्षेत्र की 36 कौम की जनता से बात करूंगा और उसके बाद आगे का फैसला करूंगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ी खबर। सिकल सेल खून की कमी से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसमें बीमार व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है। हर व्यक्ति में लाल रक्त की कोशिकाएं होती है, जो आकार में गोल, लचीला और सॉफ्ट होती है, लेकिन जब यह बीमारी किसी व्यक्ति में होती है तो यह सिकल या हंसिया के आकार में आ जाती है, जिससे धमनियों में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे लाल रक्त की कोशिकाएं खत्म होने लगती है। अब सबसे राहत की बात यह है, इस बीमारी की रोकथाम के लिए कंपनी ने नई दवा बनाई है। कंपनी के MD संजीव जैन ने कहा है कि हमने काफी रिसर्च के बाद इस दवा को तैयार किया है। यह दवा 700-800 रुपए में मिलेगी। यह दवा खासकर जनजातीय भाई बहनों और बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा है कि भारत को हम जल्द ही सिकल सेल से मुक्त कर देंगे। बड़ी बात यह है, इस दवा के बन जाने के बाद जनजातीय और आदिवासी बच्चों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बीमारी से ग्रसित जनजातीय भाई बहन है, तो उनके लिए कहीं न कहीं बड़ी राहत वाली खबर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि राजस्थान में अभी भी सुबह शाम सर्दी का असर बना हुआ है। आपने देखा होगा सीकर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, यानी कि कई जिलों में सुबह ठंड महसूस होती है, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल आने वाले 2-4 दिनों तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार होली तक प्रदेश के तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव बना रहेगा। होली के बाद तापमान बढ़ने लगेंगे और गर्मी तेज होगी। लेकिन सबसे बड़ी और राहत वाली खबर तो किसान भाइयों के लिए यही है कि प्रदेश का मौसम आने वाले 2-4 दिनों तक साफ रहेगा, क्योंकि इस समय किसान फसलों की कटाई का काम कर रहे हैं, तो चिंता यह सताने लगती है कि कहीं मौसम खराब न हो जाए। ऐसे में किसान भाइयों को फिलहाल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। हाल ही में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम ने कहा, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये उन लोगों का मोदी पर भरोसा ही है। सब्जी का ठेला लगाने वाले, गोलगप्पे, टिकिया, चाट, चाउमीन, नूडल्स और छोले भटूरे का ठेला लगाने वालों को कर्ज लेने के लिए सूदखोरों की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। पीएम ने कहा, ऐसे लोग भारी भरकम ब्याज पर कर्ज तो दे देते हैं, जिससे छोटे मोटे कारोबार करके अपना पेट पाल रहे हैं और लोग कर्ज के जाल में उलझ जाते हैं। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ऐसे ही लोगों के लिए एक स्कीम लेकर आई है, जो उनके लिए मददगार साबित हो रही है। यह स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। दरअसल आपको बता दूं, पीएम स्वनिधि स्कीम से सरकार 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का लोन देती है। इस स्कीम में पहली बार 10,000 रुपए का लोन मिलता है, दूसरी बार 20 का और तीसरी बार 50,000 रुपए का कर्ज सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, योजना में मिले लोन की राशि को 12 महीने यानी 1 साल के भीतर आपको वापस करना होगा। फायदा यह होगा, आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यह योजना रेहड़ी पटरी और स्ट्रीट वेंडरों के लिए चलाई गई है, जिससे इन लोगों को सहारा मिल जाता है और सरकार से लोन लेके अपने छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं। अगर इस योजना का फायदा आप भी लेना चाहते हैं तो योजना के तहत आवेदन के लिए आपको किसी भी नजदीकी सरकारी बैंक में जाना होगा और पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन पत्र की मांग करनी होगी। अच्छा, उस आवेदन पत्र में मांगी गई सारी जानकारी आपको सही से दर्ज करनी होगी और सारे दस्तावेजों के साथ सबमिट करना होगा।
आवेदन में आपको यह भी बताना होगा कि आप किस बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं। इसके बाद आपके सभी दस्तावेजों की जांच होगी। यदि सब कुछ ठीक पाया गया तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, पीएम स्वनिधि योजना के पात्र देश के छोटे निम्न व्यापारी, रेहड़ी पटरी और ठेले लगाने वाले इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना का लाभ केवल छोटे और मध्यम स्तर के व्यापार ही ले सकते हैं। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।